पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी। आशीर्वाद लेते हुए उनका सम्मान। यही है भारतीय परंपरा। युवा प्रवर्तक गौरव पुरुष कर्म योगी और महाराष्ट्र के चहेते उप मुख्यमंत्री जिन्होंने मुंबई की तस्वीर ही बदल डाली। मेट्रो, कोस्टल रोड, वही ट्रांस हार्बर लिंक, सीसीटीवी कैमरास, ऐसे कई विकास और बदलाव लाने वाले प्रणेता हमारे चहेते उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। प्रो वाइस चांसलर NMIMS यूनिवर्सिटी डॉक्टर शरद माइस्कर जी विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस। आई थिंक द स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर, कैन वी हैव बेटर अप्लॉज फॉर दी डियर गेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी, वो पल जिसके लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस किताब के पीछे मित्रों सपनों की उड़ान है, पसीने की महक है और इंतजार की कसक है, अनावरण होने की व्याकुलता है और यही एक क्षण की माकूलता है कि शुभ हस्तों से हम इसका लोकार्पण करेंगे। लेखक श्री अमित साटम जी की किताब उड़ान, योर फ्लाइट टू हैप्पीनेस। आप सभी से निवेदन है कि अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें, अमित जी को आशीर्वाद दें। जहां पर आजकल हम पुस्तकें पढ़ना भूल गए हैं, ये किताब आपको एक नई दिशा देगी, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को। उड़ान, योर फ्लाइट टू हैप्पीनेस, मेक योर पैशन योर करियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए उड़ान। भरी तालियों बरसती रहे आज के इस सभागार में। आपका प्यार आशीर्वाद हमारे आदरणीय श्री अमित साटम जी के लिए। बहुत अच्छी तस्वीर जिससे आज युवा पीढ़ी की तकदीर बदल जाएगी और इस पुस्तक में जो भी लिखा है दोस्तों वो अक्षरश सत्य है। वो इसलिए कि ख्वाबों को हकीकत में बदलना इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है स्वयं अमित साटम जी, जिन्होंने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भरसक प्रयत्न किया है। कोई भी व्यक्ति उन्नति, प्रगति तब तक जब तक उसके अंदर जज्बा, जुनून, जिद और जुझारू पर न हो वो नहीं हो सकता। लिख लिख कर मिटाना और मिटा मिटा कर लिखना और कभी न थकना, यही है अमित की अमित पहचान। के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वेलकम एड्रेस देने के लिए आदरणीय श्री अमित साटम जी। मोहन भागवत जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके बहुत ही व्यस्त ऐसे शेड्यूल में से समय निकालकर इस पुस्तक के विमोचन के निमंत्रण का स्वीकार किया और यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र के चहेते उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस केलवाणी मंडल के चेयरमैन अमरीश भाई पटेल भी यहाँ पर उपस्थित है और इस NMIMS यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शरद मिस्कर जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस पुस्तक के विमोचन के लिए अपने इस प्रीमाइसिस को जो आपने हमें अनुमति दी
उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो ये पुस्तक लिखने का मेरे मन में पिछले 5-6 साल से एक प्रयास था। हर बार मैं सोचता था लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये भी मेरे मन में तय था, लेकिन वो समय नहीं मिला, सही व्यक्ति नहीं मिले और कुछ ना कुछ वो आगे टलता गया। पुस्तक तो वैसे सितंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच में लिखी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तक जो है वो पिछले 24 साल में इवॉल्व हुई है। और इवॉल्व इसलिए हुई है क्योंकि पिछले 24 साल में मेरे जीवन का जो प्रवास रहा है, उस जीवन के प्रवास का अनुभव लेते लेते इस पुस्तक का जो विषय है, मेक योर पैशन योर करियर, और ये उस प्रकार से पिछले 24 साल में इवॉल्व हुआ है क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए करने के बाद में नौकरी कर रहा था। जब भी मैंने 2004 में राजनीति में आने का, पूर्ण वेळ राजनीति में आने का निर्णय किया, क्योंकि हमेशा कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क इसका पैशन जो था। और ये पूरी जर्नी को देखते देखते ये पुस्तक का इवोल्यूशन, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो मेरे माइंड में, मेरे मन में पिछले 24 साल में हुआ। मुख्य कारण ये है कि हमेशा जो हम करियर चुनते हैं, स्पेशली 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, वो करियर चुनने के समय पर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर एक्सपेक्टेशंस, इस प्रकार के सारे एक्सपेक्टेशंस के दड़पण के अंदर आकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फील्ड को चुनते हैं। पहले तो सिर्फ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियर, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, लेकिन आज तो बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे बोर्ड्स जो है वो आज अवेलेबल है, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो होती है उसे भी फेक किया जा सकता है। वो उन्हें अच्छा लगता है और जो उन्हें अच्छा लगता है वही उनका ऑक्यूपेशन है। ऐसा बहुत कम होता है कि यू फॉलो योर कॉलिंग इन लाइफ, यू फॉलो योर पैशन, यू फॉलो योर हार्ट, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मंडे इज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। मॉर्निंग क्रूज कि कल सुबह काम पे जाना है, एंड मेक योर पैशन योर करियर इज ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ दिस रूटीन ऑफ मंडे टू संडे। एवरी डे इज संडे, एवरी डे इज मंडे। अगर हमें जो अच्छा लगता है वो अगर हम उसे चुनते हैं तो हमारे लिए हर दिन ये एक वेकेशन है, हर दिन ये संडे है। और उस दिशा में जो मैंने अनुभव किया अपनी जर्नी में, उसे मैंने पेन डाउन किया इस पुस्तक में। फिर बाद में आई केम बैक टू ह्यूमैनिटीज एंड देन आई डिड वेल इन लाइफ एकेडमिकली ऑल्सो। और इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक थिंग्स लाइक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है से लेकर आगे जाते जाते